अंजुम गेंद कवेंगे सज्जू को और कवर की जानब खेल दिया इस बॉल को, किसी फील्डर के लिए रोकने का कोई मौका नहीं था। अच्छा खूबसूरत कवर ड्राइव और अच्छी बॉल थी, जोरदार अपील, अभी तक अपील कर रहे हैं विकेट कीपर वाली अंजुम, मगर एम्पायर का इशारा नॉट आउट, बड़ी जोरदार अपील थी कॉट बिहाइंड की। अली अंजुम एक बार फिर उबैस ममानी को और क्रीज से बाहर निकले लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की जानेब, जोरदार शॉट। 46 रन एक विकेट के नुकसान पे, छठे ओवर का खेल जारी है, सज्जू सामना कर रहे हैं मोहम्मद का और एक और जोरदार अपील और अब की बार लॉन्ग ऑन की जानब खेलना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग, अली अंजुम अपना दूसरा ओवर करते हुए, पहले ओवर में 9 रन दिए, अली अंजुम ने कोई विकेट हासिल ना कर सके। अच्छा कवर ड्राइव, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का, गेंद पलक झपकते में 4 रन के लिए बाउंड्री के नुकसान पे। अब की बार पॉइंट की जानब खेल दिया, पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, किसी फील्डर के लिए कोई मौका। अब की बार स्क्वायर लग की जानब खेलने में कामयाब हुए, किसी फील्डर के लिए कोई मौका। और मुसलसल दूसरा चौका, बाग उठा के खेल दिया इस गेंद को, अच्छी फील्डिंग अब सामना करेंगे वापस शब्द का, वापस शब्द अपना तीसरा इनिंग का 13 ओवर करते हुए और थर्ड मैन की जानेब कट करना चाहते थे, जोरदार अपील जान एक बार फिर और अब की बार इस बॉल को खेल दिया मिड ऑन की जानेब, जोरदार शॉट और हुक कर दिया इस बॉल को, इसको अलग बाउंड्री पे एक और चौका मिडॉन की जानेब खेलने में कामयाब हुआ, बड़ी तेजी के साथ दोनों बैट्समैन ने दूसरा रन भी मुकम्मल किया। थोड़ी सुस्ती दिखाई फील्डर ने गेंद को थ्रो करने, पीएफ फाल्कन की जानेब से आज उबैस ममानी ने 29 बॉलों पर 42 रन की इनिंग खेली और अच्छी अपील और एम्पायर का इशारा आउट, फाल्कन का स्कोर हुआ 134 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। अली अंजुम, अब अली अंजुम की इस बॉल को खेल दिया मिड ऑन बाउंड्री की जानेब, फील्डर गेंद के नीचे और किसी किस्म की कोई गलती। और पुल करना चाहते थे इस बॉल को, LBW की जोरदार की बाब इस बॉल को थर्ड मैन की जानेब खेलने में कामयाब हुए। चार रन के साथ अख्तर पहुंचे 5 रन पे, पीएफ फाल्कन का स्कोर 138 रन 5 विकेटों के नुकसान पे और अब की बाब इस बॉल को मिड विकेट की जानेब खेल दिया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। अब
वाह अच्छी अपील LBW की। और आपकी बाप इस गेंद को खेल दिया मिड ऑन बाउंड्री की जाने 6 रन को नुकसान पे। एक बॉल का खेल बाकी रह गया है और फवान आविस की इस बॉल को कवर की जाने खेल दिया। अच्छी फील्डिंग अनीस, अच्छी बॉल थी अनीस की और एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा रन आउट हो गए आविस को। मैच यूनाइटेड विजन के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर बाईवास टेलीकास्ट किया जा रहा है और LBW की जोरदार अपील और एम्पायर का इशारा देखना खेल जा रही है। और अब की बार इस गेंद को उठा के खेल दिया मिड ऑन की जानेब और एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा 6 रन के लिए। अपनी बॉलिंग के निशान पर पहुंचने के बाद मुड़े दौड़ना शुरू किया गेंद की और खूबसूरत शॉट मिड ऑन बाउंड्री पे जोरदार छक्का। अब की बार इस गेंद को पॉइंट की जानेब खेल दिया फील्डर के सबके ऊपर से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अब की बार इस बॉल को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानेब और एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो 63 रन 2 विकेट के नुकसान पे अख्तर गेंद करने के लिए आए। अख्तर की इस बॉल को पॉइंट की जानेब खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे 1 रन बनाया यकीनी तौर पे दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे मगर फवान आविफ की शानदार और जिम्मेदाराना बैटिंग का सिलसिला जारी। फवान आविफ पहुंचे 24 रन पे जबकि उनका साथ देने के लिए फवीद कासिम मौजूद है। 21 पे उन्होंने 9 रन बनाया बोल्ड कर दिया। अख्तर का इस बॉल को मिड ऑन की जानिब खेलने में कामयाब हुए जोरदार शॉट किसी फील्डर के लिए कोई मौका 3 विकेटों के नुकसान पे। अब पॉइंट की जानिब खेल दिया इस बॉल को और रन आउट हो गए। अब की बार इस गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग की जानेब जोरदार शॉट उमर शेख का किसी फील्डर के लिए गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं था 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से। सज्जू अपना 30वां ओवर इनिंग का 14वां ओवर करते हुए और सज्जू की इस बॉल को क्रीज से बाहर निकले और कदमों का इस्तेमाल और यकीनी तौर पर एम्पायर का हिसाब क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल के तौर पर खेला जा रहा है। और वाइट बॉल फ्रीट टी और बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पे क्या गेंद करेंगे उमर शेख को। और बहुत कोशिश की कवर पे खड़े हुए फील्डर ने गेंद को रोकने की ये
जय एवेंजेलिया जैन बॉन्डिलन जबा।